सभी को जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभुराजे। राष्ट्रीय छावा संगठन और सकल मराठा समाज की तरफ से हम लोग 23/11/2023 में, मतलब नवंबर में, इसी छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में हम लोग एक दिन के लाक्षणिक अनशन पर बैठे थे। विषय हमारा ऐसा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज चौक के यहाँ पर जो गेट था और बाजू की जो बैरिकेडिंग थी, वो बैरिकेडिंग टूट गई थी और जो गेट था वो भी टूट गया था। हर बार उसको वेल्डिंग करके काम किया जा रहा था और जो ऊपर मेघ डमरी थी, जो रास्तादर थी, वो कहीं कहीं पर उसको क्रैक्स आ गए थे। तो कल्याण लोकसभा के खासदार जो है श्रीकांत जी शिंदे साहब, उनके पास हम लोगों ने पत्र व्यवहार किया था और उनको ये ज्ञात कराया था कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में जो महाराज जी की प्रतिमा है, उसके आजू बाजू का जो बैरिकेडिंग है और महाराज जी के प्रतिमा के ऊपर जो मेघ डम्बरी है, जो कुंपन अपन जिसको बोलते हैं, वो सारा क्रैक्स हो गया है और उसको नवीन बनाना चाहिए। तो खासदार साहब ने मुझे ये आश्वासित किया कि अपन वहाँ पर जो है वो प्रतिमा और जो वो वहाँ पर जो ब्यूटिफिकेशन का काम है वो पूरा नया करेंगे। तो हाल फिलहाल अपने को जितना चाहिए वो हम करके लेंगे। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक दिन का लाक्षणिक उपोषण जब किया था, तो महानगर पालिका ने अपने तरफ से हमें पत्र व्यवहार किया और हमें बोला कि लाक्षणिक उपोषण आप मत कीजिए करके, यहाँ पर जो ब्यूटिफिकेशन का काम है हम महानगर पालिका की तरफ से करेंगे। और मैं महानगर पालिका के आयुक्त अजीत शेख साहब जी का धन्यवाद करूँगा। उसी प्रकार से सार्वजनिक बांधकाम विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है और जिन्होंने ठेका लिया है, बहुत अच्छा ही काम उन्होंने किया है। कुछ काम बाकी है, पर बाकी का भी अगर काम बचता है तो उन्होंने मुझे आश्वासित किया हुआ है कि ये जो बाकी का काम रहेगा वो हम लोग करेंगे। आने वाले समय में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है 19 फरवरी को, तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये काम करा के लिया है। हम लोगों ने जो अनशन किया था, वो अनशन में जो जो उपस्थित थे, सकल मराठा समाज के जो कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय छावा संगठन के कार्यकर्ता थे, अनेक सामाजिक संगठन के जो कार्यकर्ता थे, पत्रकार बंधु थे, जो भी आए थे, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने हमें वो टाइम पे सपोर्ट किया और हमारे एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण को सरकार तक और प्रशासन तक पहुंचाया। जय हिंद, जय शिवराय, जय शंभुराज। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।